हेलो दोस्तों, बात करते हैं उस प्लेयर की जिसका नाम है एकता बिस्ट। उनको खरीदा है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने। उनका बर्थ हुआ है फरवरी 8, 1986 का, अलामोरा उत्तर प्रदेश का। उनकी एज है 38 साल। लेफ्ट हैंड में बैट्समैन है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। प्लेइंग रोल की बात करें तो वो एक बॉलर है। टीम्स की बात करें तो इंडिया ब्लू वुमेन्स से खेल चुके हैं, इंडिया वुमेन्स से खेल चुके हैं, उत्तर प्रदेश वुमेन्स से खेल चुके हैं, वेलोसिटी से खेल चुके हैं और अब वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेन की तरफ से खेलने वाले हैं। एक एरिया स्टैट्स की बात करें तो बॉलिंग की, टेस्ट की एक मैच की 2 इनिंग में उन्होंने 44 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। बेस्ट उनका है 33 रन देकर 2 विकेट। इकॉनमी रहा है उनका 1.15 का। ओडीआई की बात करें 63 मैच की 63 इनिंग में उन्होंने 98 विकेट लिए हैं। बेस्ट उनका रहा है 8 रन देकर 5 विकेट। इकॉनमी उनका रहा है 3.77 का। T20 इंटरनेशनल की बात करें 42 मैच की 42 इनिंग में उन्होंने 53 विकेट लिए हैं। बेस्ट उनका रहा है 21 रन देकर 4 विकेट। इकॉनमी उनका रहा है 5.30 का। वुमेन ओडीआई में उन्होंने 63 मैच की 36 इनिंग में 172 रन बनाए हैं। हाई स्कोर उनका रहा है 18 का। स्ट्राइक रेट रहा है 63.46 का। T20 में 14 इनिंग में उन्होंने 40 रन बनाए हैं। बेस्ट है 15 रन। स्ट्राइक रेट 66.66 का रहा है। डेब्यू की बात करें तो टेस्ट डेब्यू उनका हुआ है इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के मैच में 13 अगस्त 2014 को। ओडीआई का मैच का डेब्यू हुआ इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के मैच में 2 जुलाई 2011 को। T20 में उनका डेब्यू हुआ है जून 23, 2011 को इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के मैच में। रीसेंट उनके मैच की बात करें तो रेलवे वुमेन वर्सेस उड़ीसा वुमेन के मैच में 10 रन देकर 4 विकेट और झारखंड के खिलाफ 63 रन देकर 2 विकेट और बंगाल के खिलाफ 61 रन देकर 2 विकेट। इन तरह के उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है। देखते आने वाले टाइम में अगर उनको RCB की तरफ से मौका मिलता है तो उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है।